टीकमगढ़ के लेधौरा नगर की नगर परिषद कार्यालय के बाहर रखी गुमटियों में आग लगने से चार गुमटियां जलकर खाक हो गई। जानकारी के अनुसार कटिंग सैलून की एक ही लाइन में चार दुकानें रखी हुई थी, जिसमें गोटी राम पिता ज्वाला सेन, सुंदरलाल पिता मन्नूला सेन, रोहित पिता मनुलाल सेन, गौरी पिता मोहनलाल सेन, यह लोग अपनी जीवनचर्या इन्हीं दुकानों से चलाया करते थे। रोज की तरह अपनी दुकान बंद करके यह घर चले गए थे। रविवार की रात करीब 3 से 4 बजे अचानक आग लग गई, जिससे यह धू धू कर जल गई। वहीं फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई, जिस पर उसने तत्काल आग को बुझा दिया, लेकिन यह भी सभी दुकानें जलकर खाक हो गई थी, जिसमें रखा सारा सामान भी जलकर खाक हो गया। इन्हीं दुकानों में सुंदरलाल सेन अपनी मिर्च मसाले की दुकान संचालित करता था, वह भी पूर्ण रूप से जलकर नष्ट हो गई, जिसकी सूचना पर इन दुकानदारों ने पुलिस थाने को सूचना दी। सुबह देखते ही देखते हजारों लोग एकत्रित हो गए और इन बेसहारा गरीबों को अपने परिवार को पालने का एकमात्र साधन दुकानें थीं। जब सुबह आकर इन लोगों ने देखा तो इनके परिवारों में रो रो का बुरा हाल हो गया। घटना के बाद तत्काल SDM CP पटेल, जतारा तहसीलदार श्रीमती सिंह ने आश्वासन दिया कि आप लोगों के साथ न्याय होगा एवं तत्काल आपको मुआवजा दिया जाएगा, कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। घटना के तत्काल बाद एक ज्ञापन SDM को सौंपा गया। वहीं घटना के खुलासे की मांग की गई है कि इन दुकानों में आग लगी है या लगाई गई है, इसका खुलासा लिधौरा पुलिस जल्दी कर देगी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से यहां पर आग नहीं लग सकती, क्योंकि यहां पर कोई भी बिजली के तार नहीं है। वहीं दुकानदारों ने मांग की है कि लिधौरा पुलिस जल्द से जल्द इस खुलासे का पर्दाफाश करे। टीकमगढ़ लिधौरा से यूडी न्यूज के लिए मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट।